नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। पेट ढंग से साफ ना होना या बिल्कुल ही पोटी ना करना, दोनों ही कॉन्स्टिपेशन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इससे बचने के, इसको दूर करने के उपाय। क्योंकि मैं सिर्फ कोई भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगी कि कोई सजेशन हो जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो या बार बार ऐसा ना हो, ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दूंगी। सबसे पहले अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले उसको दूर करने के उपाय बताऊंगी। कॉन्स्टिपेशन खुद भी एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, और दूसरी भी कई बीमारियों का लक्षण है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर बेबी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल असली आयुर्वेद पर। तो अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के तरीके। आयुर्वेद में जो सबसे बेस्ट तरीका है और जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो है त्रिफला। आप त्रिफला का पाउडर लीजिए रात को। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग 5 से उसको 10 ग्राम तक ले सकते हो, 15 ग्राम तक भी ले सकते हो। अगर बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है और पेट साफ नहीं हो रहा है, लेकिन त्रिफला लेते वक्त बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इसकी अमाउंट लिखी होती है बोतल के ऊपर वो 1:2:3 रेशो होना चाहिए। जैसे त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो हरड़ अगर 100 ग्राम है तो बहेड़ा 200 और त्रिफला 300 या 400 ग्राम, 1:2:3 या 1:2:4 होना चाहिए। वो त्रिफला सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और एक बार अगर आप इससे कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हो तो आप त्रिफला को कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हो, कई महीनों के लिए, कई दिनों के लिए। इसकी आदत भी नहीं होती है, एडिक्शन भी नहीं होती है, और ये सबसे सेफ मेडिसिन है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी उपाय गर्भवती महिलाओं को यूज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए। लेकिन त्रिफला पाउडर वो वैसे भी डेली यूज में भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि मैम त्रिफला पाउडर से तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके लिए आप त्रिफला में 2-3 चीज़ें और ऐड कर सकते हो। त्रिफला में आप अजवाइन, काला नमक और एक यवशार आता है जवाखार, आप ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के भी 5 से 10 ग्राम तक ले सकते हो। अगर आपके पास 50 ग्राम त्रिफला पाउडर है तो आप अजवाइन और काला नमक 15-15 ग्राम लीजिएगा, और उसमें 3 से लेकर 5 ग्राम तक जवाखार मिला के आप इसकी 5 से 10 ग्राम तक मात्रा रात को ले सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है गुलकंद। गुलाब की पत्तियों का बना होता है, उसको आप 2 से 3 चम्मच रात को सोते टाइम लीजिए, या तो गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। थर्ड नंबर पे आता है अच्छा, ये जो पहले दोनों बताए हैं ये बहुत सॉफ्ट लग्जेटिव होते हैं, किसी भी प्रकृति का आदमी बात इसको यूज कर सकता है। थर्ड नंबर पे आता है अरंड का तेल। अरंड का तेल ये आप 15 से लेकर 25-30 ml तक यूज कर सकते हो। शुरू कीजिए, अगर आपकी मृदु कोष्ठ है, हल्की फुल्की चीज़ों से अगर पेट साफ हो जाता है तो आप 10 ml या 15 ml लीजिए। रात को सोते टाइम गर्म दूध में मिला के लेना है। चीनी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मिला सकते हो, मीठा पीने का मन है तो मिला लो, नहीं तो मत मिलाओ। अरंड का तेल भी बहुत अच्छी तरह से पेट साफ कर देता है। फोर्थ नंबर पे है हरड़ और काला नमक, इनको आप मिला लीजिएगा इक्वल अमाउंट में। हरड़ को आप थोड़ी सी तवे पे भून लीजिएगा, वो हल्की सी फूल जाती है, फिर उसको पीस के उसमें उतना ही काला नमक मिला के आप रख सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छे लग्जेटिव का काम करता है। रात को लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है। इवन आप इसको अगर दिन में कभी गैस वैस बन जाती है, अगर पेट में दर्द होता है, तो आप इसको दिन में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों से भी अगर पेट साफ नहीं होता है, छुटकारा नहीं मिलता है कॉन्स्टिपेशन से, तो एक मार्केट में बना बनाया पाउडर आता है, चूर्ण आता है, पंच सकार चूर्ण। उसमें 5 चीज़ें मिली होती हैं, सनाए, सौंफ, सोंठ, सेंधा नमक और हरड़। लेकिन जो इसमें सनाए होता है वो बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव होता है, कई बार उससे मरोड़ भी लग जाते हैं और दस्त भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से यूज कीजिएगा। लेकिन कई बंदे ऐसे भी हैं जिनको पंचसकार चूर्ण से भी नहीं पेट साफ होता, तो वो पंचसकार चूर्ण में लवण भास्कर चूर्ण मिला के ले सकते हैं। इसकी भी अमाउंट 5 से 10 ग्राम तक ही है। शुरू आप 1 चम्मच से ही कीजिएगा। 1 चम्मच होती है वो 5 ग्राम की होती है, नहीं होता है तो आप बढ़ा दीजिए, अगर अच्छी तरह हो जाता है तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो ये हैं तरीके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के। एक बार आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि दोबारा से कॉन्स्टिपेशन ना हो
इसके लिए आपको कैसा आहार विहार रखना है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी काम का लगा हो तो लाइक बटन तो जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।